नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। नोएडा ग्रेटर नोएडा से कोरोना का प्रकोप अब जेवर तक पहुंच गया है। जेवर के मंगरौली रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को कोरोना संक्रमित पाया गया है। मंगलवार की देर रात डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कस्बे और मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के लोगों के लिए बचाव और सुरक्षा के उपाय शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए डॉक्टर टप्पल रोड पर स्थित एक नामी ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर थे। वह मंगरौली रोड पर स्थित एक फार्म हाउस में रह रहे थे। मंगलवार की देर रात पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें आइसोलेशन सेंटर ले गई है। ग्रेटर नोएडा के आइसोलेशन सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं बुलंदशहर में उनकी पत्नी को भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। इन डॉक्टर के घर में रह रहे और पड़ोस में रह रहे लोगों को भी घर में रहने के प्रशासन ने हिदायत दी है। इनके बुधवार को सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शिनाख्त पड़ताल और जांच के कार्य में लग गया है। यह कस्बे का मंगरौली रोड है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। बुधवार की सुबह लोगों में भय है कोरोना संक्रमण का, सब अपने अपने बचाव और सुरक्षा के कार्यों में लग गए हैं। डॉक्टर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी कॉलोनी और अस्पताल को सील किए जाने की तैयारी में लग गया है। उधर मंगलवार की देर रात से ही जिला प्रशासन ने अस्पताल में मरीजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अस्पताल को सील किए जाने की तैयारी में लगा हुआ है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।